हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि 10 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन और एक फ्यूज और एक इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए, तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये मेरा फेस टर्मिनल है, यहाँ पर एक रेड कलर का वायर जोड़ेंगे। उस वायर को जोड़ने के बाद उस वायर के एक हिस्से को उसके बगल में जो स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में लगा करके स्क्रू ड्राइवर के मदद से अच्छी तरह से कस दे रहा हूँ, ताकि जो उसके बगल में स्विच है उससे वो ऑपरेट होगा। ठीक उसी प्रकार से जो मेरा 2 पिन है उसके नीचे वाले टर्मिनल में एक केबल लगा ले रहा हूँ। केबल लगाने के बाद जो उसके बगल में स्विच है उस वायर को मैं उस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगाऊंगा और स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से कस ले रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक और रेड कलर का वायर लेंगे। उस रेड कलर का वायर से जो मेरा 3 स्विच है उस तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को इस प्रकार से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तीनों स्विच के अच्छी तरह से कनेक्ट करने के बाद जो दिया हुआ स्क्रू है उसको अच्छी तरह से कस लेंगे और उस केबल को जो उसमें से एक केबल निकला है जो रेड कलर का है उसको हम ले करके चले जाएंगे सीधा ऊपर। जो मेरा आपको दिखाई दे रहा है जो मेरा फ्यूज, ये मेरा फ्यूज है, वो फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल में तो वहाँ पे 2 केबल लगाएंगे। दोनों केबल को लगाने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से कस ले रहा हूँ और जो एक केबल उसमें से एक केबल है जो उसके बगल में जो इंडिकेटर है ऊपर उसके एक वाले किसी टर्मिनल पे लगाएंगे तो हम नीचे वाले टर्मिनल पर ही लगा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें फेस का कनेक्शन लगभग फाइनल हो चुका है। उसके बाद हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। ये मेरा न्यूट्रल टर्मिनल है 5 पिन सॉकेट का, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का वायर लगा ले रहा हूँ। इस केबल को अच्छी तरह से लगाने के बाद जो मेरा 2 पिन है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में मैं उस केबल को कनेक्ट करूँगा। तो अच्छी तरह से काट करके केबल को प्लायर के सहारे हम कवर को बाहर कर ले रहा है। उसके बाद दोनों केबल को मैं वहां पे लगाऊंगा। सभी केबल को अच्छी तरह से लगाना है टर्मिनल पे। कोई भी केबल को लूज नहीं कसना है ताकि स्पार्क ना करे। इसको अच्छी तरह से कसने के बाद उस केबल के एक हिस्से को लेकर के चले जाएंगे इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में। तो फ्रेंड्स, इस बोर्ड का वायरिंग मेरा बिल्कुल फाइनल हो चुका है और इस बोर्ड से हमको फेस और न्यूट्रल का वायर बाहर निकालना है और एक बल्ब जलाने के लिए केबल निकालना है। तो सबसे पहले, ये मेरा न्यूट्रल और फेज वायर नहीं है, ये मेरा बल्ब का जो केबल निकालना है वे है। तो रेड कलर का वायर हम जो उसमें एक है उसको स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, जो मेरा जो बीच में स्विच है तीनों स्विच के बीच में उसके ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर ले रहा हूँ। और जो एक न्यूट्रल वायर जहाँ मैं ब्लैक कलर का कहीं पर वायर है वहीं पे कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं फर्स्ट 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद मैं एक और होल्डर लूँगा। ये मेरा बल्ब जलाने के लिए केबल बाहर निकल गया। ठीक उसके बाद हम फेस वायर लेंगे जो मेरे पास रेड कलर का है। आपके पास किसी कलर का वायर है वो ले सकते हैं। तो उस केबल को हम जो मेरा फ्यूज है वो उसको कभी भी फेस वायर को फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ा जाता है। तो मैं यहाँ पर ये फेस वायर है इसको जोड़ ले रहा हूँ। इस बोर्ड का फेज वायर है, इसको अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर के साथ कस ले रहा हूँ।
कसने के बाद मैं एक ब्लैक कलर का वायर लूँगा, जो मैं ब्लैक कलर का जो मेरा वायर है वहीं कहीं से उस वायर को मैं बाहर निकाल ले सकता हूँ। तो मैं जो मेरा इंडिकेटर है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए केबल लगाया गया वहीं से मैं निकाल लिया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बोर्ड का वायरिंग मेरा बिल्कुल फाइनल हो चुका है और एकदम वायरिंग आसान है। तो मेरा जो ये देखिए एक होल्डर मैंने ले लिया है, इस होल्डर में देखिए दो टर्मिनल है, तो कोई भी टर्मिनल में कोई केबल को अच्छी तरह से कस लेंगे। इसमें कोई नहीं रहता है कि न्यूट्रल किस में जोड़ेंगे और फेज किस में जोड़ेंगे, अच्छी तरह से केबल जोड़ना चाहिए। इस केबल को जोड़ने के बाद फ्रेंड्स मैं इस बोर्ड में, मेरा बोर्ड का वायरिंग देखिए बिल्कुल फाइनल हो चुका है।